बड़ी खबर सामने आई है, हाथरस हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर है, इसका रुख कर रहे हैं हाथरस हादसे को लेकर। हादसे से पहले का वीडियो सामने आया है, बड़ी खबर आपको बता रही हैं, हादसे से पहले का वीडियो, और इस वीडियो में आप भारी भीड़ देख पाएंगे। किस तरह भारी भीड़ सत्संग के समय जुटी हुई थी, ये देखिए, ये भगदड़ से पहले का वीडियो है, जो पहले आप वीडियो देख रहे हैं भगदड़ से पहले का। दो वीडियोस आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, इन दोनों ही वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा जो खेत है खचा खच भरा हुआ है। लोग ट्रकों पर, क्योंकि पूरा ट्रैफिक जाम वहां पर हो गया था, पूरा हाईवे जाम हो चुका था, जो गाड़ियां जो ट्रक वहां पर खड़े हुए थे, लोग देखिए किस तरह से उन ट्रकों पर चढ़ चढ़कर सत्संग देख रहे हैं। इतनी भारी भीड़, परमिशन ली गई थी 80,000 लोगों की, और ये देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग जुटे थे। ये 2 जुलाई का वीडियो है, सत्संग का वीडियो, भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का जब सत्संग चल रहा था, तो देखिए किस तरह से खचा खच आपको पूरा खेत यहां पर भरा नजर आ रहा है। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विमल कौशिक जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार इस हादसे को लेकर तमाम अपडेट्स वहां से हम तक लाइव पहुंचा रहे हैं। विमल, अब ये वीडियो भी तस्दीक कर रहे हैं भाई, 80,000 की परमिशन ली गई थी, और देखिए पूरा मैदान, पूरी जगह खचा खच भरी है, और मुझे लगता है यहां पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। क्या वहां पर प्रशासन व्यवस्था कर रही थी, और ज्यादा सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और ना ही प्रशासन को ऐसी उम्मीद थी, और जो आश्रम वाले लोगों का भी कहना है कि उनको भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ वहां पर हो जाएगी, क्योंकि ये परमिशन जो मांगी गई थी 80,000 की, ज़्यादा 1,00,000-1,25,000 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि 2,50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच गए, जिसके चलते पूरी व्यवस्था चरमरा गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये घटना हुई। अब इस पूरे मामले में जो पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें मुख्य रडार पर जो है मधुकर है, मधुकर से हालांकि अभी वो जेसी में है, लेकिन आज हो सकता है या कल उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी रिमांड ले, रिमांड एप्लीकेशन लगाए, और रिमांड पर लेने के बाद उसको वो लेकर एक लंबी पूछताछ की जाएगी। एक बाकायदा एक सवालों की बड़ी फहरिस्त तैयार की गई है, जिसमें परत दर परत घटना से जुड़ी हुई जानकारी मांगी जाएगी कि आखिर ये घटना हुई कैसे, उनकी कड़ियों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जब इनका कहना है कि 24 साल से सत्संग हो रहे हैं, लेकिन 24 साल से सत्संग होते हैं, वहाँ भीड़ भी इकट्ठी होती है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात जो आश्रम की तरफ से लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा है, खुद बाबा ने भी सामने आकर जो बात कही कि उसमें असामाजिक तत्व थे, और चाहे एपी सिंह हो, जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि एक साजिश है, एक साजिश है, तो आखिर ये साजिश है तो कैसे इस साजिश को अंजाम दिया गया, कौन लोग हैं साजिशकर्ता, कौन थे वो उपद्रवी, किसने देखा, तो तमाम चीज़ें की जानकारी जो है वो मधुकर से ली जाएगी, और साथ ही साथ उससे ये भी पूछा जाएगा कि किस तरीके से जब ऐसा कोई सत्संग होता है भीड़ को टैकल किया जाएगा, कैसे कैसे इंतज़ाम किए जाते हैं, और जो आप वहाँ पर सेवादार, या फिर ये कहें जो बाबा की सेना है, जो अलग अलग नामों से जानी जाती है, एक पिंक आर्मी, एक जो ब्लैक कैट कमांडो, और जो दूसरे उनके सेवा दल है, वो किस तरह से काम करती है, कौन उनकी संख्या निश्चित करता है, कितने लोग वो ड्यूटी पर होंगे, कहाँ होंगे, किस तरह से लोगों को संभालेंगे, कैसे भीड़ को हैंडल करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अब मधुकर से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, कि बाबा का कहना है, आश्रम का कहना है कि वो किसी से चंदा या डोनेशन नहीं लेते हैं, पैसे नहीं मांगे जाते हैं, तो आखिर बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, तो फिर बाबा के पास इतनी अकूत संपत्ति कैसे आई, कैसे शहर दर शहर जो है बाबा के आश्रम खुलते चले गए, और एक एक आश्रम कई कई बीघे में फैला हुआ है, बड़ी ज़मीनें जो है वो बाबा के आश्रम के लिए वहाँ पर ली गई हैं, चाहे वो यहाँ कासगंज में हो, मैनपुरी में हो, या फिर राजस्थान में हो, या फिर कानपुर में हो, तो ऐसे कई जगह आश्रम बने हुए हैं, नोएडा में भी आश्रम है, तो इसी से जुड़े हुए सवाल भी मधुकर से पूछे जा सकते हैं। और सबसे उसके बाद जब एक बार मधुकर से सवाल दर सवाल पूछे जाएंगे और उनसे जो जवाब मिलेंगे, उसके बाद हो सकता है कि पुलिस जो है वो नोटिस देगी बाबा को, और नोटिस देकर बाबा को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, और उनसे भी यही सवाल दोहराए जाएंगे, तो कहाँ कंट्रडिक्शन है, इसको लेकर भी चीज़ें सामने आएंगी। जी बिल्कुल, और विमल ये वीडियो यहाँ पर दिखा रहा है, जिस बाबा सूरजपाल को लेकर लगातार वो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो तो अभी फिलहाल पूछताछ के दायरे में है ही नहीं, अभी तो सभी की नज़र उस मधुकर पर ही तो इस वक्त जमी हुई है कि उससे तमाम सवाल किए जाएंगे। लेकिन जिसके सत्संग में इतनी भीड़ जुटती है, क्योंकि ये कोई पहला मामला भी नहीं है,
ऐसा भी सामने जानकारी आई है कि कोविड के समय भी जहां 50 लोगों के बीच जुटने की जो है इजाजत नहीं होती थी, वहां पर भी उस वक्त भी फरुखाबाद में उस बाबा ने सत्संग कराया और तब भी 50-55 हजार लोग जुटे थे। कोई पहला मामला तो ये हुआ नहीं ना फिर तो। जी बिल्कुल, और इसीलिए आश्रम वाले लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि जब पिछले 24 साल से लगातार सत्संग हो रहा है और लगातार वहाँ पर जो बाबा के फॉलोअर्स हैं वो जुटते हैं और वो वहाँ पर भारी संख्या में पहुँचते हैं, तो इस बार अगर ये घटना हुई है तो इसे सीधे सीधे ये साजिश से जोड़कर देख रहे हैं। सीधा सीधा इनका कहना है कि इसमें असामाजिक तत्व आए, उन्होंने भीड़ को उकसाया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन जो कासगंज में इनका आश्रम है जहाँ पर बाबा पिछले 10 साल से नहीं आए भोले बाबा, तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि अभी भी बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से जल भर के ले जाते हैं, यानी कि फॉलोइंग जो है वो बाबा की बहुत अच्छी खासी है। तो जाहिर तौर पर अभी नहीं तो, लेकिन बाबा सवालों के दायरे में आएंगे ज़रूर। पहले शायद पुलिस ये पुख्ता कर लेना चाहती है मधुकर के रास्ते, क्योंकि मधुकर ही मुख्य सेवादार है, मधुकर ही तमाम चीज़ों को हैंडल करता था, मधुकर ही सारी जो बाबा की अलग अलग आर्मी है उनको डिप्लॉय करता था, कितने लोगों को लगाया जाता था, कितने लोग आएंगे इसका आंकलन कैसे किया जाता था, तो तमाम चीजें हैं जो पहले मधुकर से पूछी जाएंगी। और पूरी सेना तैयार है अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन जो जनता उनके सत्संग में आ रही है उनकी सुरक्षा किनके भरोसे है? उनके लिए कोई इंतजाम नहीं, ना प्रशासन की तरफ से ना खुद बाबा की तरफ से। चलिए आप बने रहिए एक और बड़ी खबर।